आप हजरात के सामने अमीर हिंद व मुआविन मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद व साबिक सदर जमीयत उलमाए हिंद जनाब हजरत मौलाना कारी सैयद उस्मान साहब मंसूरपुरी नवरल्लाहु मरकदहू का मुख्तसर तआरुफ और हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालने जा रहा हूँ। आप हजरात हजरत कारी साहब नवरल्लाहु मरकदहू की हालात ज़िंदगी को तवज्जो के साथ समाअत फरमाए। आप 12 अगस्त 1944 ईस्वी को मंसूरपुर ज़िला मुजफ्फरनगर में पैदा हुए थे। आपने हिफ्ज़ की तकमील वालिदे मोहतरम के पास की, फिर आलिमियत के लिए उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद की जानिब रुजू किया और वहीं पर दारुल उलूम देवबंद में फ़ारसी से लेकर दौरे हदीस तक की मुकम्मल तालीम हासिल की और हमेशा हर इम्तिहान में आला से आला और इम्तियाजी नंबरात से आप कामयाबी हासिल करते थे और 1965 में दौरे हदीस में अव्वल पोजीशन से कामयाबी हासिल की थी। फिर 1967 में दिगर उलूम की तकमील भी की। तजवीद व किरात शेखुल कुर्रा हजरत मौलाना कारी हिफ्जुर रहमान साहब से हासिल की थी और अरबी अदब हजरत मौलाना वहीदुज़्ज़मा कीरानवी रहिमहुल्लाह से हासिल की थी और तालीम से फरागत के बाद 5 साल तक जामिया कासमिया गया बिहार में तालीम और तदरीस की खिदमत अंजाम दी और 11 साल तक मदरसा इस्लामिया अरबिया अमरोहा में खिदमत अंजाम दी और 1979 में मुल्क व मिल्लत बचाओ तहरीक के बिल्कुल इब्तदाई दौर में गिरफ्तार होकर 10 दिन तिहाड़ जेल में भी रहे और फिर 1982 में उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद में आपका तकर्रुर हुआ। चुनांचे उस वक्त से लेकर आखिरी सांस तक तदरीस के साथ साथ दिगर उमूर में भी दारुल उलूम देवबंद की खिदमत व फ़राइज़ को बहुसने खूबी अंजाम देते रहे। तलबा के दरमियान में आपका दर्स बहुत ही मशहूर व मारूफ था। इंतहाई संजीदा और आलिमाना शान का हामिल आपका दर्स हुआ करता था। मसलक देवबंद के तहफ्फुज़ के लिए भी आप काफ़ी मशहूर व मारूफ रहे। 1 अक्टूबर 1986 में आलमी इजलास तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत के इजलास का इनेकाद किया गया जिसके आप नाज़िम मुंतखब हुए और इस सिलसिले में आपने मुल्क के अक्सर इलाकों का सफ़र भी किया। आप 5 अप्रैल 2008 को जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर मुकर्रर हुए और आप 2020 ईस्वी में दारुल उलूम देवबंद के मुआविन मोहतमीम बनाए गए और आपको मौलाना हुसैन अहमद मदनी नवरल्लाहु मरकदहू के दामाद होने का शर्फ भी हासिल था और आप 21 मई 2021 को इंतकाल फरमा गए और आपने कुल 76 साल की उम्र पाई। बहरहाल हजरत कारी साहब नवरल्लाहु मरकदहू की ये बहुत सारी खूबियाँ और खसूसियात थी। जाहिर सी बात है हम हजरत की इतनी सारी खूबियों और मेहनतों को इस छोटे से क्लिप में शुमार नहीं कर सकते। बस अल्लाह तबारक व ताला से आप दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हजरत की खिदमत और मेहनतों को कबूल फरमाए और पसेमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए और उम्मत को और दारुल उलूम देवबंद को इनका नेअमल बदल नसीब फरमाए। आमीन। चलिए अब हम आपसे इजाज़त तलब करते हैं। हमने आपके सामने अपने चैनल सोशल न्यूज़ उर्दू की जानिब से मौलाना कारी सैयद उस्मान साहब मंसूरपुरी नवरल्लाहु मरकदहू से जुड़ी हुई कुछ मालूमात पेश की है और हम आपके सामने हर तरह की खबरें हर तरह की मालूमात पेश करते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल सोशल न्यूज़ उर्दू से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।